नमस्कार दोस्तों, मैं वाजिद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल मार्शल टेक पे। सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत परवाह करते हैं सलमान सर जी। सलमान सर ने साफ बोला बिग बॉस 14 के अंदर सिद्धार्थ जी से कि कहीं पे भी आओ जाओ, ध्यान से आना जाना, यहाँ तक के बाल भी कटवाओ तो ध्यान से कटवाना, सैलून में जाओ तो ध्यान से जाना। देखिए कितना ध्यान रखते हैं और बार बार शहनाज जी का भी नाम लेते रहिए, काफ़ी अच्छा लगा सुनने में। लेकिन यहाँ पे अभी तक आसिम का जिक्र नहीं हुआ कि आसिम बिग बॉस 14 में कब आएगी। हाँ, लेकिन सलमान सर ने ये ज़रूर पूछा सिद्धार्थ शुक्ला जी से कि सुल्तानी अखाड़ा यानी कि बिग बॉस से बाहर सुल्तानी अखाड़े में आपकी आसिम रियाज से कुछ हुई? तो सिद्धार्थ जी ने मुस्कुरा कर किया, बस थोड़ी बहुत मीडिया के ऊपर हुई, उसके बाद कुछ भी ऐसी बात नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। तो खैर, कहने की बात यह है कि बिग बॉस 14 के अंदर नज़र आ गए सिद्धार्थ शुक्ला जी, यानी कि विनर नज़र आ रहे सिद्धार्थ शुक्ला जी, जो बाहर भी दबंग थे और अंदर नज़र आए, लेकिन आसिम रियाज अभी तक नज़र नहीं आए। तो इसका मतलब साफ नज़र आ रहा है कि आसिम रियाज की अभी तक कोई पूछताछ नहीं है, ना कोई पूछ है कि आएगी भी या नहीं आएगी। यहाँ तक कि छिपकली महारा शर्मा ने बोल दिया है कि मैं बिग बॉस में आ रही हूँ कुछ सवालों का जवाब देने के लिए और कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए। तो देखते हैं कि कब तक आते आसिम रियाज, आएगी भी या नहीं आएगी। और उधर हिमांशी खुराना का भी कुछ भी पता नहीं है। तो बिग बॉस 14 के अंदर नज़र आ रहे सिद्धार्थ शुक्ला जी और उनसे मोहब्बत से और प्यार से बात करते हुए नज़र आ रहा है सलमान सर जी, और उनकी काफ़ी कदर और काफ़ी इज्जत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मार्शल टेक को।